कल रात को आपकी बहन की शादी का इवेंट था जी। खैरियत से हो गई रुखसती? जी हो गई। अब जरा बाहर आ जाइए। हुआ क्या? मैं माजरत एसोसिएशन से आया हूँ। हमारी कंपनी का काम है कि शादी के इवेंट के अगले दिन जिन जिन रिश्तेदारों का मुंह बना हुआ था हम उनको माजरत दिलवाते हैं। कल रात को आपकी बहन की शादी थी, आज सुबह आपके रिश्तेदारों ने हमें हायर किया है आपसे माजरत दिलवाने के लिए। कल वाले इवेंट में आपने कितने रिश्तेदारों को नाराज किया यार। क्या कर दिया भाई ऐसा हमने? एक एक करके बुला रहा हूँ मैं सबको। आइए आप, ये मामू है आपके, इनकी नाराजगी ये कि आपने इनको आगे आगे नहीं रखा। क्या मतलब आगे नहीं रखा? अरे इनकी भांजी की शादी थी और आपने इनको आगे आगे नहीं रखा। अरे आगे आगे नहीं रखा क्या मतलब? आगे आगे तो घूम रहे थे ये कल, किसी एक चीज में आपने इनको आगे नहीं रखा। माफी मांगिए। सॉरी मामू। सही है, नेक्स्ट आ जाए। ये आपकी ताई है और इनकी शिकायत ये कि आपने इनको पूछा नहीं। क्या नहीं पूछा? अरे बड़ी है ये घर की सबसे। तो मैंने कब कहा कि छोटी है? अरे तो इंसान पूछता है ना। पूछना क्या था? झूठे मुंह। झूठे मुंह नहीं पूछा हमें किसी ने तो भाई। शर्म करो यार, बड़ों को इंसान झूठे मुंह पूछ ही लेता है। माफी मांगो। झूठे मुंह माफ कर दे। सही है, नेक्स्ट आ जाए। ये आपके चाचू हैं, आपने उनके जानने वाले केटरर से खाना क्यों नहीं बनवाया? अरे हमारा अपना केटरर है यार, उससे बनवाया था हमने। जब इन्होंने कहा था कि इनका केटरर जाने वाला है एक महीने पहले, ये आपके घर आए थे, 2 घंटे बैठ के इन्होंने आपकी थेरेपी करी थी कि किस तरह से इनका केटरर सबसे बेहतरीन है, फिर भी आपने किसी और केटरर से खाना क्यों बनवाया? माफी मांगे इनसे। माफ कर दे चाचू। सही है, नेक्स्ट आ जाए। ये कौन है? अरे ये आपके बड़े भाई हैं। इनको क्या हो गया? अरे आपके घर के सबसे बड़े दामाद हैं ये, इसलिए सरिया लगा हुआ है। इनकी शिकायत ये कि आपने इनको शादी का खाना नहीं भेजा। अरे रात को इनके घर पे पूरी देख पहुंचा के आया हूँ यार। और साथ में क्या था? नान। तो ताफ्तान कौन देगा? माफ कर दे भाई। सही है, नेक्स्ट आ जाए। अरे फुप्पो आप क्यों आ गई? ये तो कल इतना खुश खुश गई थी। अरे ये कैसे खुश होकर जा सकती है? ये फुप्पो है, ये हमारी सबसे पुरानी क्लाइंट है। किसी की शादी हो, बर्थडे हो, इफ्तार पार्टी हो, बारबेक्यू पार्टी हो या कोई भी आम दावत हो, इनका मुंह हमेशा बना होता है। ये हमें हमेशा हायर करती है, हमारी सबसे पुरानी क्लाइंट है। इनका किस बात पे मुंह बना हुआ है? अरे ये फुप्पो है, इनको किसी वजह की जरूरत नहीं है मुंह बनाने की। माफी मांगिए इनसे। अरे तो क्यों मांगू माफी? क्योंकि फुप्पो है ये, अजीब पता नहीं क्या। माफ कर दे फुप्पो। सही है, नेक्स्ट आ जाए। अब इसके साथ क्या कर दिया मैंने? अरे ये बच्चा शादी हॉल में भाग रहा था, आपने इसको रोका क्यों? अरे तो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लग जाती इसलिए मना किया। माफी मांगे इससे। माफ कर दे भाई, जा जितना भागना है भाग। भाई अब तू भी मुझे माफ कर दे, मैं पूरी बिरादरी से एक एक करके माफी नहीं मांग सकता। मैं व्हाट्सएप पे सबको माफी का मैसेज कर दूंगा यार। ठीक है, याद से मैसेज कर दिएगा आप उनको। बस अब एक आखिरी क्लाइंट है, उससे माफी मांग लें। कौन है? आ जाए। ये क्या है? ये हीलियम भरा हुआ डोरेमोन किसी बच्चे का था, उड़ के ऊपर चला गया था, आपने इसको उतारा नहीं, पूरे शादी के इवेंट में ऊपर हॉल की छत पे लगा रहा है ये। माफी मांगे। नोबिता कहाँ है? यार एक मिनट रुको जरा, एक काम है। ये जो ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। ठीक है, ओके बाय।